सुनील राजपूत के सुसाइड के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे क्या हालात हुए जो एक उभरते हुए अभिनेता को इस तरह से सुसाइड करना पड़ा। कई लोग सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। अब मनोज तिवारी ने भी वही मांग की। मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपने भी मांग की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जबकि वैसे तो मुंबई पुलिस जांच कर रही है। देखिए, मैं सुशांत सिंह जी के घर गया था, उनके पिताजी से मिला, उनकी सिस्टर से मिला, परिवार के लोगों से मिला। उनका मन है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो, इसलिए हमने इस बात को कही। और मैं महाराष्ट्र सरकार से इस बात का निवेदन करता हूं कि आप सीबीआई इंक्वायरी की संस्तुति करें। इस समय पूरे देश की सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के साथ साथ इस समस्या से जूझ रहे हर व्यक्ति की यही मांग है कि इसमें उच्च स्तरीय जाँच हो, सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। आप परिवार से भी मिले हैं, क्या कुछ ऐसा जो है निकल के सामने आया? क्या उन्होंने बताया क्यों जो सीबीआई जांच की लगातार अब मांग उठने लगी है? क्योंकि वैसे तो शुरुआत में आया था कि सुसाइड किया है, वो डिप्रेस थे, दवाइयां ले रहे थे, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि सीबीआई जांच की मांग? देखो, परिवार काफी बातें सोच रहा है, उनकी कई आशंकाएं हैं। और मैं समझता हूं कि हमने इतना बड़ा एक सितारा खोया है, इतना बड़ा एक भविष्य खोया है, तो हमें उसके फैक्ट तक पहुंचने के लिए इस जांच में जाना चाहिए, किसी को इसमें अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। लेकिन जो है इस सबके बीच में अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो अलग अलग तरह के जो है सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई में नेपोटिज्म या परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है। आप खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपका क्या अनुभव रहा है, किस तरीके की जानकारी? देखिए, नेपोटिज्म का तो सारा मामला है, लेकिन नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, ये जो सुशांत सिंह राजपूत की घटना है, ये गैंगिज्म का मामला है। ये जो बॉलीवुड में इसमें गैंगिज्म है, उसको समाप्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी सीबीआई इंक्वायरी की आवश्यकता है। कौन सा गैंग, किस गैंग की बात? अब जांच होगी तो निकलेगी। देखिए, हम तो वहां रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग, कुछ लोग सफल होने के बाद भी एक गैंग बना लेते हैं और उनके गैंग के तार दूर दूर से जुड़ते हैं, तो उसका अब समय आ गया है। मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूं अभी, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं इसमें उच्च स्तरीय जांच हो और वो सीबीआई जांच हो, ताकि इस नेपोटिज्म का और गैंगिज्म का बॉलीवुड में समापन हो, क्योंकि इसके कारण न जाने कितनी प्रतिभाएं घुट घुट करके दम तोड़ रही हैं। सबके बीच में बस एक आपके सवाल, आप खुद जो है आपने भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर के बॉलीवुड तक में फिल्मों में काम किया है, क्या ऐसा कुछ वाकई में फेस करना पड़ा या फेस किया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उठती हुई प्रतिभा को दबाने की बहुत कोशिशें होती हैं, अब जो निकल गई उसका भाग्य है, लेकिन प्रतिभा को तो आगे जाने का नैसर्गिक मौका मिलना चाहिए। तो मैं इसके लिए, ये बहुत बड़ा काम होगा, और जैसे देश के अन्य हिस्सों में बहुत सारी समस्याएं हैं, वैसे ही यहाँ भी समस्या है, इसको दूर होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग ऑन सीबीआई। साफ तौर पर मनोज तिवारी का यही कहना है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म के साथ में गैंगिज्म शब्द का इस्तेमाल किया है, और इस वजह से कह रहे हैं कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और खुद अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं क्योंकि फिल्मों में काम किया है, बॉलीवुड में भी, भोजपुरी फिल्मों में भी। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं और इस वजह से जरूरी है कि उन पर लगाम लगे, और इस वजह से कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग।